जो है मैं व्लॉग बना रहा हूँ साइंस स्पीड का। तो इधर जो है आप देखिए वहाँ पे सामने जो है इस साइड में कोई कैमरा करना जरा, इस तरह भी आपको लांचें नज़र आ रही है। ये सारी भी खड़ी हुई लॉकडाउन की वजह से, तो यहाँ पे काम होता है लेकिन कुछ थोड़ा सुस्त काम हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो ये देखिए आपको लांचें यहाँ पे जो ना थोड़ा सी मछलियाँ आती है और यहाँ पे भाई मछली पकड़ भी रहे अपने क्या नाम है रोड से मछली पकड़ते हैं। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग मछली पकड़ते हैं और यहाँ पे लांचें भी आती है। देखिए लांचें तो खड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही है, आपको ये लांचें खड़ी नज़र आ रही है। आपको ये क्या जी घूंगे? व्यूअर्स ये देखिए घूंगे इसमें कहा जाता है इसको। ये क्या काटते हैं? नहीं काटते नहीं है, बड़े सॉफ्ट है ये देखिए। नाम क्या है आपका? सलमान भाई, आप यहाँ पे क्या नाम है, कब से यहाँ पे आप ये काम करते हो? अच्छा नहीं, ये दौड़ पे आप जैसे पानी का क्या सब पता होता है कि मछली आपको पता है कब आती है ज़्यादा? गई नहीं है लोग, आज इनकी छुट्टी होती है, नहीं तो यहाँ पे मछलियाँ आती हैं। यहाँ पे इस इन्हीं लांचों के अंदर जो है ना मछलियाँ लेके आते हैं लोग। ये देखिए अच्छा अभी वो जो पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, वो नहाने वाला पॉइंट है, वहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह पे जब आते हैं तो इस जगह पे आते हैं। ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ जी, ये वो पट्टी है जहाँ पे लोग नहाते और इस जगह पे लोग शिकार करते हैं मछली। ये यहाँ पे पत्थरों पे खड़े हो गए, इस पत्थरों पे खड़े हो गए और उस जगह पे जो भाई का मैं इंटरव्यू लिया था उस जगह पे वो शिकार खुद से दौड़ से मछली पकड़ते हैं, लोकल जो मछेड़े होते हैं लोकल जो हम लोग जिसे हम पकड़ ले वो भी पकड़ सकता है अगर पकड़ नहीं आती हो तो। ये देखिए देखिए कुछ मछलियाँ मुझे नज़र आ रही हैं अंदर जगह। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है, यहाँ पे मछलियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे ये मछली है, देखिए ये देखिए आपको शायद नज़र आ रही हो, एक मछली वो जा रही है, देखिए कितनी तेज़ी से जा रही है वो देखिए। जी भाई आपका नाम क्या है आपका? रज़ाक भाई, आप ये जो जाल तैयार कर रहे हो तो ये कितने दिन में ये तैयार हो जाता है जाल? ये पूरा जो मुकम्मल जाल होता है ना जी जी, तीन दिन में चार दिन में पूरा मुकम्मल हो जाता है। अच्छा तो ये किस चीज़ का, ये क्या नाम है, इसको बोलते क्या, इसको जो ये दौड़ इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये कोई ये रेशम है क्या है? ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक होती है। अच्छा अच्छा तो आजकल यह क्या काम नहीं हो रहा है मछलियों का? हो रहा है। अच्छा तो ये क्या टाइम किस टाइम आप लोग निकलते हो? हम लोग सुबह को 6 बजे निकलते हैं, कभी शाम को 6 बजे निकलते हैं। अच्छा अच्छा तो आज जो है मछलियाँ मेरे ख्याल नहीं आई शायद, आज कोई बाहर नहीं गया, जुमे का दिन है। अच्छा छुट्टी है जुमे की। ठीक ठीक, जुमे का दिन छुट्टी होती है। चलिए सही है। लॉकडाउन की वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? अल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा ना इसमें। अच्छा गरीबों को बहुत फर्क, मजदूरों को बहुत फ़र्क पड़ा। अभी कल जाके उन लोगों ने खोल दिया चैनल के लिए। जी जी इसी थे वो भी खोल दिया, मगर भाई गोरों का तो गुजर सब रही इसके ऊपर है ना। अच्छा
समुद्र के ऊपर। अच्छा, ये आप बताएं कि आप जब जाते हो लॉन्चों के पर, तो वो आप यहाँ इसी कराची के एरिया में होते हैं या ज़्यादा दूर तक निकल जाते हो? हम यहाँ पर होते हैं, कराची के एरिया में। अच्छा, तो ये कितनी आप यहाँ से सुबह जाते हो, शाम को आते हो, क्या हिसाब किताब होता है? जो किसी की बात है। अच्छा, तो मिला तो कितनी कम से कम मछलियाँ निकल जाती है एक उसमें आपकी बोट में? समझो 100 किलो, 200 किलो, 150 किलो, 500 किलो निकल जाती है। अच्छा, जो ये आप जो मछलियाँ लेके आते हो, तो आप इधर ही इलाकों में बेचते हो या फिर कहीं सप्लाई करते हो किसी? वहाँ पर फिशरी में बेचते हैं। फिशरी में बेचते हैं आप लोग? चले, सही है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी आपकी। ये देखे ना, तो नहीं, ये लांचे है, ये इनकी खड़ी हुई लांचे। ठीक है, आज जुमे का दिन है इसलिए लोग आज नहीं गए, आज जिन लोगों की छुट्टी होती है, तो मुझे पता नहीं था, तो किसी दिन और भी आएंगे तो जुमे के अलावा भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के जो ऑपरेटर बने हुए हैं, यहाँ पर भी लोग मछली वगैरह सफाई करते हैं, बेचते हैं लोग, लाते हैं। तो जैसे एक ये भाई जो है जाल बना रहा है, ये देखिए नाजरीन व्यूअर्स, ये देखिए, ये इन लोगों के जो है ना, ये इन जगह पे बैठ के लोग काम करते हैं लोग। देखिए ये ऐसे कितने हैं इनके, ये जितने भी फिशरमैन हैं, ये सब के इन लोगों के ये ठिकाने हैं यार, समझ लें कि इन्होंने ये बनाया हुआ है अपने लिए, आरामगाह बनाई हुई इन लोगों ने। देखिए आगे तक है, काफ़ी दूर तक है ये, और आगे इन लोगों की बस्तियाँ हैं, इन लोगों का इलाका है। तो अभी हम जाते हैं, सही देखते हैं, अभी अगर कोई मछली वाला में नज़र आए तो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम भी अब यूनिवर्सिटी के पर आए हुए, और यहाँ पे तकरीबन तमाम यहाँ पे जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है। देखिए ये लॉकडाउन का यहाँ पे खसूस ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये देखिए आस पास की सारी दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हुई है जी। ये यूनिवर्सिटी है जी। जी व्यूअर्स, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम जो ब्लॉग बनाने में गया था, तो मैंने ये कोशिश थी कि कोई फ़िश भी हो तो यहाँ से लांचों में आती है वो आपको दिखाए, लेकिन आज छुट्टी का दिन था इनका, तो आज नहीं आई। तो साथ में हमने जो इसके नज़दीक इलाका लगता है यूनिवर्सिटी, उसका भी हमने आपको उसका टच दिखाया हमने। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी आप अपनी राय का इजहार दें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली कोई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।